वेलकम बैक टू देयर चैनल। मैं हूं पूनम, कैसे हो आप सब। सो गाइस, आज है संडे और आज का व्लॉग मैं लगभग स्टार्ट कर रही हूं 5 बजे से। अभी 5 बजने वाले हैं क्योंकि आज मॉर्निंग में सुबह से टाइम भी नहीं मिला एंड मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, थकावट फील हो रही थी और सिर में भी दर्द हो रहा था और इनके भी सिर में दर्द हो रहा था क्योंकि इन्होंने भी पूरी रात अच्छे से नींद नहीं हो पा रही है हमारी। एंड इनको तो ये क्रिकेट खेलने जाते हैं इसलिए इनको जल्दी उठना होता है, तो इनके सिर में दर्द हो रहा था और साथ में क्लास आज तो उठा भी नहीं जा रहा था इनसे। उनकी क्लास रहती है 11 बजे रात को, ख़त्म होती है और मीटिंग रहती है रात को, तो इस वजह से ये नहीं उठ पा रहे हैं। मतलब इनके सिर में इसलिए दर्द हो रहा था एंड मेरे भी सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था कल से, इसलिए हम लोग सुबह से ब्लॉग ही नहीं स्टार्ट किया। और अब भी हम लोग देखो क्या काम कर रहे हैं, सबसे मेन इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं दिया का, दिया की सारी नोटबुक्स पर हम कवर चढ़ा रहे हैं जो कि स्कूल वालों ने वैसे तो प्रोवाइड किया है बट सबका चार्ज लिया है चार्जेबल है। तो ये सब हमको ये सब काम फिनिश करना है आज की डेट में। एंड आज की डेट में इन्होंने दिया का पिक भी खिंचवाया, हमने आज दिया की ड्रेस में उन्होंने पिक मांगे तो वो काम भी हमारा आज कंप्लीट हो गया। एंड एक और काम था मॉर्निंग में, दिया की डायरी फिल करनी थी, मतलब डायरी में सारा कुछ हमको लिख के भेजना था कि क्वालिफिकेशन वगैरह एंड दिया का नाम वगैरह पूरा बायोडाटा कहने का, मतलब वो भी सारा हमने आज काम किया। मतलब कि आज दिया के काम करना था, संडे का दिन है, जल्दी खाना बनाना है, शाम को जल्दी दिया को खिलाकर सुलाना है क्योंकि सुबह उसको फिर स्कूल है, मंडे है तो जल्दी उसको जाना है। तो बस अभी 5 बजने वाले हैं और अभी मैं बना लेती हूँ इनके लिए कॉफ़ी एंड मेरे लिए चाय। और मैं अभी जस्ट ऐसे हो गया आधा एक घंटा नहाए को, बट वामू नहीं सो रही थी इसलिए थोड़ा लेट से ही मैं रेडी हुई एंड वामू फिर से जाग गई। मैं दिखाती हूँ, ये देखो ये मेरी दिया रानी जो कि मेरी इस वामू को अंगेज करके रखा हुआ इसने ताकि वो रोए नहीं। और वो भी देखो अपनी बहन को कैसे देखती है, हूँ हाँ करती है, हंसती है, उसको पता है मेरे पास कोई बैठा है। पहले तो इतनी जोर जोर से रो रही थी, चिल्ला रही थी कि मेरे पास कोई बैठे, तो मैं एक घंटा तक इसके पास थी, थोड़ी देर सोती 5 मिनट बाद फिर उठ जाती, फिर 5 मिनट सोती फिर उठ जाती, तो मैं ऐसे धीरे धीरे करके निकली हूँ। हल्का सा भी साउंड आता है ना किसी भी चीज़ का या कुछ गिरने का तो ये खड़ी हो जाती है। तो अब मैं जैसे रेडी हो रही थी तो हल्का भी कोई साउंड आ रहा था, हल्का सा भी कोई डोर क्लोज होने का या डोर खुलने का, तो बस जाग जाती। अब दिया इसके पास बैठी ना तो उसको फील हो रहा है कि मेरे पास कोई बैठा है। अब देखना इधर देखो मेरा बच्चा, गुड मॉर्निंग मामू। अभी गुड मॉर्निंग थोड़ी ना हुई है, हाँ पू अभी गुड इवनिंग हुई है मामू, गुड इवनिंग। हाँ हाँ क्या बातें कर रहा है मामू, क्या अभी गुड इवनिंग हुई है, हाँ मॉर्निंग नहीं हुई, सोना नहीं है क्या तेरे को, खेल हाँ क्या खेलना है क्या वामू को, क्या करना है वामू को, दीदी के साथ खेलना है क्या, खेलना है क्या दीदी के साथ, मुंह देखो अजीब सा। चलिए गाइस चलते हैं किचन में, दिया के लिए दूध बनाते हैं, इनके लिए कॉफी बनाते हैं, मेरे लिए चाय बनाते हैं, मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। हाय गाइज वेलकम बैक टू देयर चैनल, मैं हूँ पूनम, कैसे हो आप सब। सो गाइज ये ब्लॉग मैं कल से कंटिन्यू कर रही हूँ, कल वामू बहुत परेशान कर रही थी शाम में तो मैंने ब्लॉगिंग ही नहीं की उस चक्कर में, मैंने कल शाम को ब्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं की। और वामू रात को लगभग 12 बजे के आसपास सोई थी, तो उसके बाद फिर मैंने एक ब्लॉग एडिट किया एंड उसके बाद मैं सोई थी, तो सुबह वही मॉर्निंग में जल्दी उठना होता है दिया के लिए, तो दिया स्कूल चली गई है और लक्ष्मी भी काम करके चली गई है, 10:30-11 होने वाले हैं। मैं ब्रेकफास्ट मैंने बना लिया बट ये खा नहीं रहे, सीधा खाना खाएंगे और मैं भी सीधा खाना खाऊंगी, सिर इतना दर्द कर रहा है हम दोनों का और पता नहीं क्यों नींद पूरी नहीं हो रही है इस चक्कर में। हाय गाइस गुड मॉर्निंग, मैं दिया को छोड़ के आ गया था स्कूल और
फिर चाय चूरी और चाय पी ली और फिर वॉक करके आ गया मैं। चाय पी ली, इस चक्कर में पेट भर गया। नहीं पेट, ब्रेकफास्ट स्किप मैंने बना के रखा है एक्चुअली, मैं आटा वाटा करके रखा, इनको बोला था रोटी खानी है तो मैं बना देती हूँ, बट इनको नहीं खानी तो सीधा मैंने अब खाना बनाऊंगी मैं सीधा। और वामू जाग गई है, चलिए वामू से मिलाती हूँ मैं आप। देखो खेल रही थी, खेल खेल के सीधी सोई हुई थी, और देखो कौन से एंगल में आ गई है। इधर देखो, सुन रहे हो, देखो कैसे हो गई है टेडी। अरे भूख लगी है क्या? देखो फिर से टांगे कैसे इधर लेके आती है धीरे धीरे यूँ, और सीधी पूरा टर्न हो जाती है। अब तो पूरा उल्टा भी हो जाती है। 3 महीने की हो गई है एक्चुअली। क्या है कि ना, मेरे फ्रिज में अभी भी कल का केक लाया हुआ पड़ा है। रात को वामू इतना परेशान कर रही थी, साथ में इनकी क्लास रहती है, तो इस चक्कर में ये अपनी क्लास में बिजी हो गए थे, और दिया को मुझे जल्दी सुलाना था, तो दिया ना साढ़े, दिया भी थोड़ा सा मतलब लेट से ही सोई, 10-1 बजे के आसपास सोई, और फिर ये अपनी क्लास कर रहे थे तो हमने केक ही नहीं काटा। वो तो बहुत तंग कर रही थी मुझे केक काटने के लिए, लेकिन मैं शाम को अपनी एक फ्रेंड के यहाँ चली गई थी जिसके पापा छोड़ के आए थे, तो वो लेट से आई थी वहाँ से, तो फिर उसके बाद इनकी क्लास स्टार्ट हो गई, फिर हमने केक ही नहीं कट किया। तो आज अगर टाइम मिलेगा तो शाम को हम लोग केक कट करेंगे मामी का 3rd मंथ का, क्योंकि मैंने पहले भी ब्लॉग में बोला था कि हम लोग मामी का केक कट करेंगे, जो कि हमने नहीं किया। उस दिन भी हमको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, और कुछ हमारा मूड भी ऑफ था कुछ फैमिली इशूज़ की वजह से, एंड वो मैं कभी किसी और दिन मैं आप लोगों को बताऊँगी एंड इस वजह से। और अभी हम लोग कट करेंगे। बेसिकली अब हमारा कोई मकसद नहीं था केक लाने का, बट कल जीत दिया बहुत ज़्यादा कल जीत कर रही थी इसलिए केक लेके आए, वरना हमने यही सोचा था कि अब 1 ईयर वाले पे ही केक काटेंगे, क्योंकि हर महीने केक काटना थोड़ा अजीब सा फील होता है। हाँ। तो बस कल हाँ। काटेंगे हम लोग केक आज शाम को, छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे घर की ओनली फैमिली मेम्बर्स मिलके। एंड देखो यहाँ इसके इससे बातें करने के लिए ये अपने पापा से ना आराम से अच्छे से बात करती है। देखो 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 कैसे देख रही, देखो कितने लगी तू की कितना है ये कितने लगी ने तो तू करती जा तू लो को तो वो हां हां जी देखो अंदर जी अंदर बातें सुन रही है आराम से। क्या बातें कर रही है ने की कितने टाइम जो दिया दीदी ने वो ये का मामू दिया दीदी मामू दिया दीदी दी कितने है दीदी दी स्कूल है कितने है अरबी की सब्जी। तो मैं ये इस तरह से अरबी आप सबको पता है ऐसी होती है, वॉश करने के बाद देन इसको छिलके उतार ले, ये मैंने एंड इस तरह से लंबा लंबा कट किया है। इसकी सब्जी बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है अगर ऐसे। एक तो हम लोग बनाते हैं बॉईल करके इसको, एंड फिर हम लोग इसको फ्राई करते हैं, तो वो भी बहुत टेस्टी लगती है, वो भी मैं बनाऊंगी अभी। एंड ये वाली इनको पसंद है, इसमें प्याज डाल के नीचे और आलू की तरह इसको सूखा फ्राई करूंगी, तो ये वाली सूखा फ्राई वाली इनको पसंद है, एंड डीप फ्राई वाली मुझे पसंद है, तो दोनों बनाऊंगी मैं अभी, दोनों मैंने निकाल के रखी है। तो इसकी रेसिपी अभी मैं सोच रही हूँ डाल दूँ, क्योंकि एक बार मुझसे किसी ने पूछा था व्लॉग में कि कैसे बनाते हो, तो शायद मैंने उस टाइम डाली भी थी, तो मैं सोच रही हूँ फिर से इसकी रेसिपी डाल देती हूँ। बहुत इजी है, सिंपल से तरीके से बनाती हूँ, 2 मिनट में बन जा मतलब 5-10 मिनट में बन जाती है। तो ये पहले भी बनाते हैं एंड इसको बॉईल करने के लिए रख देते हैं। हम यहाँ इसके साथ खेल रहा है मेरा बेटा। ए मामिया देखो गाइस, मेरी दिया आ गई थक टूट के सो के, ऐसे जैसे मतलब 10-12 घंटे क्लास कर सो के आती है बस में, तो नींद आती है ना बस में। इसे पूछते ना सोई है कहते नहीं, झूठ बोलती है जी आज सोई थी ना, तो जैसे उतरती है ऐसे गिरती है नींद में होती है। अपना टिफिन बॉक्स खत्म करके आती है, मेरी गुड गर्ल है, दही भी फिनिश, परांठा भी फिनिश, बस थोड़ा सा सैलेड नहीं खाया इसने, और इसने एप्पल भी नहीं खाया।
एप्पल भी नहीं खाया आपने? एप्पल मैंने आपको दो ही, अरे दोनों खा लिए आपने, थोड़ा सा परांठा पड़ा है मुझे लग रहा है, थोड़ा सा दो बाइट के जितना। वेरी गुड दिया, वेरी गुड, हाँ यू आर गुड गर्ल। पता है क्यों? क्योंकि आप अपना टिफिन फिनिश करके आते हो, दैट्स व्हाई यू आर गुड गर्ल। दिया रिमूव योर शूज एंड चेंज योर ड्रेस, ओके। हाय गाइस, सो अभी बजे हैं शाम के 4:30। दिया गई ट्यूशन, दिया को समाचार ट्यूशन छोड़ के आ गए इसके पापा। मामू को देखो मेरी गोदी में बैठी है, सो नहीं रही है, इसको तो वैसे जागना है शाम तक, तो जिसका यही काम है, थोड़ी देर सोती है 10-15 मिनट फिर जाग जाती है, फिर थोड़ी देर सोती है फिर जाग जाती है। एंड अभी मैंने ना एक पार्सल मंगाया है जो मामी से, तो अभी मेरा एक पार्सल आया है, इसको खोलना है, इसमें क्या है देखते हैं। एंड इसको देखो, हाँ 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 बोलो बोलो, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, उठ के देखो, उठना है, कहाँ जाना है उठ के बेटा, ठीक है इसको मैं अभी नीचे बिठाती हूँ। मंगाया मैंने जिवामी से दो पजामे, दोनों ही सेम मंगाए थे मैंने, बिकॉज एक जैसे ही हैं, दो मंगाए मैंने एक जैसे हैं दो, मेरे को ना स्कीम में ना थोड़ा सा मतलब सही पड़ रहा था, तो इसलिए मैंने दो मंगाए हैं, वरना तो ये पड़ रहा था। अब मुझे दोनों 500 रुपये में पड़े हैं, वैसे ही मुझे दोनों 650-700 में पड़ रहे थे, बट स्कीम लगा के 500 रुपये में दोनों पड़े, इसलिए मैंने मंगा लिए। एंड कपड़ा इसका बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे पॉलीनेट का पसंद है, बट ये प्योर कॉटन का कपड़ा है, ठीक है अच्छा है, उसका स्टफ़ बहुत अच्छा है, सॉफ्ट स्टफ़ है। एंड मैं ट्राई करूँगी इसको, एंड इस पर टी शर्ट ले लूँगी मैं, या तो येलो कलर की या फिर मेहरून कलर की, दो टी शर्ट चलेगी इस पर, मेहरून येलो वाइट भी चल सकती है, क्योंकि इस पर वाइट भी है बना हुआ, तो देखते हैं कौन सी अच्छी लगती है इस पर। तो ये मंगाया मैंने दो जवामी से, ये प्यारा है, आपको दिख रहा है नहीं, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, अच्छा है, कलर भी प्यारा है, इसका लिंक होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूँगी। सोच रही गाइस मिलते थोड़ी देर के बाद। तो गाइस फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ना कुछ सब्जियाँ कट करके रखी हैं, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने राइस बॉइल करके रखा है, एंड राइस को मैंने यहाँ पर 90% कुक किया है, मशरूम कट किया है, लाल शिमला मिर्च, बीन्स, पत्ता गोभी, गाजर, हरी वाली शिमला मिर्च एंड प्याज। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, वो सिंपल है, आप चाहो तो यहाँ पर लहसुन भी डाल सकते हो। तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है हमको, बिल्कुल अच्छे से हीट पे होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ऐड करूँगी प्याज, आप चाहो लहसुन और अदरक दोनों डाल सकते हो, बट मैं दोनों ही नहीं डाल रही, स्किप कर रही हूँ, क्योंकि इस बार मैं बना रही हूँ स्मोकी फ्लेवर में। तो मैंने यहाँ पर एक साइड कोयला बिठा दिया है, उसको मैं अच्छे से गर्म कर लूँगी, एंड अब डाल देंगे हम हमारा प्याज। प्याज को हल्का सा 10 सेकेंड तक हल्का सा हम लोग भूनेंगे, एंड उसके बाद यहाँ पर हम लोग डाल देंगे गाजर, क्योंकि गाजर थोड़ी सी हार्ड रहती है, तो मैंने यहाँ गाजर को ना चॉपर में चॉप कर लिया है बिल्कुल बारीक बारीक, और पत्ता गोभी भी डाल देंगे, और बीन्स भी साथ में साथ बीन्स भी डाल देंगे। तो शिमला मिर्च को और मशरूम को हम एक साथ डालेंगे, बाकी सब्जियों को हम पहले डाल लेंगे, और इसको हम लोग 10-20 सेकेंड तक फ्राई कर लेंगे। जैसे गाजर जो है सॉफ्ट नहीं करनी है, हमें क्रंचपन रखना है, और इन सबको हमें हाई फ्लेम पर ही कुक करना है, लो फ्लेम पर बिल्कुल भी कुक ना करें, हाई फ्लेम पर ही कुक करना है। ये देखिए हल्की सी हमारी कुक हो चुकी है, ज़्यादा कुक नहीं करना है। देन उसके बाद मैं डाल दूँगी यहाँ पर लाल वाली शिमला मिर्च, हरे वाली शिमला मिर्च, और अब मैं डाल दूँगी इसमें मशरूम। अब देखो सब्जियों का कलर बिल्कुल कलरफुल सब्जियाँ दिख रही है हमारी, लाल, हरी एंड वाइट। अभी येलो बेल पेपर मेरे पास नहीं था, तो गाजर डाल दी मैंने, तो ऑरेंज कलर भी आ रहा है। अभी हम सब्जियों में डाल देंगे नमक, एंड हाई फ्लेम पर इसको कुक करना है, तो यहाँ मैं डाल दूँगी नमक स्वाद के अनुसार, क्योंकि नमक मैंने चावल में भी ऐड किया था, तो आप हिसाब से डालना। एंड विनेगर में भी नमक रहता है, थोड़ा सा मैं यहाँ डाल दूँगी ब्लैक पेपर,
आधा स्पून, क्योंकि मैं हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, आप चाहो तो हरी मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हो। और जो मैंने प्लेन ऑनियन डाला उसकी जगह पर आप हरा वाला ऑनियन रहता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसका मेन मकसद है मुझे स्मोकी फ्लेवर वाला मैं बनाऊँगी, तो मैं इसलिए मैंने इसमें इस बार लहसुन ऐड नहीं किया, आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, पर लहसुन काफ़ी फ्लेवर आता है और स्मोकी फ्लेवर में अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने स्मोकी फ्लेवर में लहसुन को स्किप कर दिया है। एंड ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे हम सब्जियों को, नहीं तो मशरूम जो है पानी छोड़ने लगेगा। सब्जियाँ जो है हमारी हल्की सी कुक हो गई, ज़्यादा कुक नहीं करना है क्योंकि फिर क्रंचपन ख़त्म हो जाएगा। एंड देन इसके ऊपर हम लोग डाल देंगे राइस, और आप चाहो तो इसमें सोया सॉस भी ऐड कर सकते हो, बट मैं सोया सॉस ऐड नहीं करने वाली, मैं ओनली विनेगर का यूज़ करने वाली हूँ। आज मेरा जो डिनर है वो फ्राइड राइस ही रहने वाला है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड इस स्टेज पर मैं यहाँ पर विनेगर भी ऐड कर दूँगी, लगभग 2 टीस्पून के आसपास। बस अराउंड 2 टीस्पून के आसपास मैंने यहाँ विनेगर ऐड किया है। एंड उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप खुद देख सकते हो मेरे राइस का कलर। हमारा जो राइस है बिल्कुल भी नहीं टूटना चाहिए। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी कोयला, कोयले का फ्लेवर। तो आप इसमें अभी नमक और विनेगर को टेस्ट कर सकते हो, अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो इसमें नींबू भी ऐड कर सकते हो। तो गाइस कोयला भी जो है हमारा अच्छे से बर्न हो गया है, एंड मैं इसको रख दूंगी एक कटोरी के अंदर। एंड इस कटोरी को रख देंगे हम बिल्कुल सेंटर में, बीचों बीच। इसके ऊपर मैं डाल दूंगी ऑयल, आप चाहो तो कोई भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। ऑयल डालने के बाद हमें इसको बंद कर देना है ताकि इसका जो स्मोक है वो इसके अंदर ही रहे। स्मोक की वजह से ही इसमें जो फ्लेवर आएगा स्मोक की वजह से ही आएगा। सो थोड़ी देर के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस देखिए स्मोकी राइस बनके रेडी है। अब इसको हम केयरफुली हटा देंगे, एंड धुआं अभी भी निकल रहा है राइस इसमें से। क्या खुशबू आ रही है, मस्त। तो चलिए फ्राइड राइस बनके रेडी है। मैं बताना कमेंट में किस किस को रेसिपी अच्छी लगी। केक खा रही है मामू, केक खा रही है मम्मी। अभी केक नहीं खाना है बेटा। तो हैंड वॉश हैंड दिया इसके क्लीन कर दो ना कपड़ा, हैंड क्लीन करने के लिए बेटा। आप देख, नहीं 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 बच्चे, दे मामी को। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी, क्लैपिंग करो डियर मामी, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। सो गाइस कैमरे की बैटरी हो गई ऑफ, इसलिए हम लोग ब्लॉग कर रहे हैं मोबाइल से। एंड अभी आज है मामी, आज नहीं है बेसिकली मामी का 3rd मंथ का बर्थडे, 2-3 दिन पहले था। बट हम केक नहीं लाए थे क्योंकि दिया का वीकेंड नहीं था, और वीकेंड था बट इनको टाइम नहीं मिला था एक्चुअली, और कल लेकर आए थे और कल दिया जल्दी सो गई थी। तो आज हम लोग कट कर रहे हैं केक, बस अब दिया को सुला दूँगी, 9:30 बज गए हैं। एंड इन इसका ही मन था केक कट करने का, हम दोनों का कोई मन नहीं था केक काटने का, उसका ही मन कर रहा था। तो मैंने उनको बोला था एक दो पेस्ट्री ला दो, बट इन्होंने पूरा केक ही ला दी, छोटा सा केक लेके आए इस बार हम, बिल्कुल छोटा सा। बट ये बोल रहे हैं इसमें अंडा है तो मैं तो नहीं खाऊंगी, ये दोनों तीनों ही खाएंगे बस। एंड सो गाइस आई होप की अब आमू भी रोना शुरू कर दिया।
सो गाइज आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया चैनल को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। बाय गाइज, बाय बाय, बाय। एंड गाइज हाँ, प्लीज़ मेरी वीडियो पे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, और अगर मुझे कमेंट अच्छा लगा तो मैं आपका कमेंट अपनी वीडियो में ज़रूर ऐड करूँगी। सो चलिए गाइज, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।